ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग व मन को एकाग्रचित करता है। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक मानसिक अवस्था है, लेकिन इसे एक अभ्यास के रूप में भी किया जाता है। यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। ध्यान के अभ्यास के कई तरीके हैं, उनमें से ही एक तरीका है ओम मेडिटेशन या ओम ध्यान। ओम ध्यान करने से स्व जागरूकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, अनिद्रा मिटाता है, भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इस ध्यान के 6 चरण हैं। प्रथम चरण है प्रार्थना, दूसरा चरण है शुद्धिकरण क्रियाएं या प्यूरिफिकेटरी प्रैक्टिसेस, जिसमें हम कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, सीतकारी व भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीसरे चरण में धारणा का अभ्यास है। धारणा के लिए हमारे पास ओम का चित्र होना चाहिए या ओम की कोई प्रतिमा, आइडल, कुछ भी, जिसे देखकर हम धारणा का अभ्यास करेंगे। चौथा चरण ध्यान है। पांचवें चरण में हम मौन रहकर उस स्थिति का अनुभव करेंगे जो इस अभ्यास से हमें प्राप्त हुई। छठा चरण है प्रार्थना, जिसे करके हम ओम ध्यान को समाप्त करेंगे। चलिए हम ओम ध्यान की शुरुआत करते हैं। ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सिर सीधा रहेगा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए पूरे शरीर को विश्रांत करें। हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरे चरण में हम कुछ शुद्धिकरण क्रियाएं करेंगे। कपालभाति प्राणायाम। हाथों को घुटनों पर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रखें, आंखें बंद रहेंगी। कपालभाति में मात्र रेचक अर्थात श्वास को शक्ति पूर्वक रूप से बाहर छोड़ने पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वास को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते। जितनी श्वास सहज रूप से अंदर जाए उसे जाने दें। केवल श्वास को बाहर छोड़ने पर ही एकाग्रता लगाएं। इस प्रक्रिया को 1 मिनट या 60 स्ट्रोक्स तक करेंगे। गहरी श्वास भरें और बलपूर्वक श्वास छोड़ें। साठ स्ट्रोक्स पूरे हो जाने पर जब तक हमारी श्वास सामान्य नहीं हो जाती तब तक रुकें। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को शिथिल करें और आंखों को बंद ही रहने दें। कुछ समय तक सामान्य रूप से श्वसन करें। दाहिने हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखें और बाएं हाथ को घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। बाई नासिका से श्वास भरें। अनामिका से बाई नासिका को बंद करें और दाई नासिका से श्वास धीरे धीरे छोड़ें। अब
दाई नासिका से श्वास भरें और अंगूठे से दाई नासिका बंद करें और बाई नासिका से श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। यह चक्र हम 5 बार दोहराएंगे। हमारी पूरी सजगता हमारी श्वासों पर। पांच चक्र पूरे हुए। अब हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास शरीर को शीतलता प्रदान करता है। आंखें बंद रहेंगी और पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दांतों की पंक्तियों को एक दूसरे पर रखकर हल्के से कस लें। होठों को अलग करके फैलाएं जिससे दांत दिखाई पड़ने लगे। दांतों से ही गहरी और धीमी श्वास भरें। श्वास भरने के उपरांत मुंह बंद कर लें। नासिका के द्वार से धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। 5 चक्र पूरा करें। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल में उठाकर कोहनियां मोड़ लें और हाथों को कान के पास ले आएं। तर्जनी उंगली से कान को बंद करना है। हमारी सारी सजगता आज्ञा चक्र अर्थात आईब्रोज के बीच में रहेगी। हमें गहरी श्वास नासिका से भरनी है और भौरों के गुंजन की तरह गहरी और मंद ध्वनि उत्पन्न करते हुए नियंत्रित ढंग से श्वास छोड़ना है। इस ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे सिर के अग्रभाग में महसूस करिएगा। हम 5 चक्र तक इस अभ्यास को पूरा करेंगे। कानों को अच्छी तरह बंद कर लें। गहरी श्वास भरें। पुनः गहरी श्वास भरें।
सांस भरें। पुनः श्वास भरें। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आँखों को सहजता से खोल लें। हम धारणा का अभ्यास करेंगे। योग में धारणा का अर्थ है मन को किसी एक बिंदु पर टिकाए रखना। हम ओम की तस्वीर को देखेंगे। सारा ध्यान ओम पर। मन में कोई दूसरा विचार न लाएं। सारी सजगता ओम पर। पलकों को झपकाना नहीं है। बिना पलक झपकाए ओम को बस देखते जाएं। जितनी देर साध्य है उतनी देर देखें। अब सहजता से आंखों को बंद कर लें और मन की दृष्टि से उसी ओम की छवि को देखें। ओम का रंग रूप सब कुछ बंद आंखों से देखें। देखते रहें। चौथा चरण ध्यान। आंखें बंद रहेंगी। हमें ओम की गहराई में उतरना है। स्वयं का ओम में विलय होने दें। ओम का अनाहत जप करें, अर्थात मन में ओम का जाप करें। श्वास भरते समय ओमकारा का जाप करें। श्वास छोड़ते समय ओमकारा का जाप करें। मन को ओमकारा जाप में लीन होने दें।
ओमकारा के जाप से धीमे धीमे हमारा मन शांत होता जाएगा, और जैसे जैसे मन शांत होगा ओमकारा जाप धीमा और गहरा होता जाएगा। ओम के जाप की गति को धीमा करें, दो ओमकारा के जाप के अंतर को बढ़ाएं। उस शांति का अनुभव करें जो हर ओमकारा के जाप के बाद आ रही है। उस गहन मौन में लीन हो जाएं, शांति के आनंद को अनुभव करें, स्वयं का ओमकार में विलय होने दें।
पांचवा चरण, हृदय की अनंत गहराई से ओमकारा का अनाहत जाप करें। आपके शरीर में ओम के अलौकिक विस्मयकारी स्पंदन को महसूस करें। प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति।